जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वासी एडुकेशन हम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बिहार बोर्ड साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका तो दिया रहता है, विकल्प वाला क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, ठीक है, भरने वाला भी है, इसके बाद उसका भी रिक्त स्थानों को पूर्ति करें आंसर दिया रहता है। अब हम सीधे स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। पहले क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से प्रश्न? प्रश्न पूछा जा रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विज्ञान क्या है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दूसरा, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखे। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, एक है आधारीय राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। एग्जाम्पल में दिया हुआ है मीटर, किलोमीटर, सेकंड, ETC, ठीक है, वेग, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। आधारीय राशि किसे कहते हैं? वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारीय राशि कहते हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारीय राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, वास्तव में आधारीय राशि सात है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पन्न राशि, वे राशियां जो आधारीय राशि के पदों में व्यक्त किया जा की जा सकती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। आधारीय मात्रक किसे कहते हैं? वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो उसे आधारीय मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांच क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। मात्रकों की पत्ती से क्या तात्पर्य है? सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों, आधारीय और व्युत्पन्न के पूरे समूहों को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक है। रेडियन, ऑस्ट्रेडियन किन के मानक है, मात्रक है? रेडियन समतल कोण का मात्रक है और ऑस्ट्रेडियन घन कोण का मात्रक है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर, यानी 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर में होगा, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है होता है, और एक उदाहरण देकर समझाएं। किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि वह 2 मीटर स्केल को एक सीधा में सिरे जोड़ कर रखने पर वे टेबल टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे, यानी टेबल 2 मीटर, यानी 2 × 1 मीटर। आधारीय और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? इनके दो दो उदाहरण दें। आधारीय राशि जो स्वतंत्र हो उसे आधारीय राशि कहते हैं, उदाहरण के लिए मीटर, किलोमीटर इत्यादि। व्युत्पन्न राशि जो आधारीय राशि पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, आयतन, ये सब हुआ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। केवल मैं यहाँ प्रश्न और आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ईसाई मात्रक के संकेत के तक्षाक्षरों को लिखते समय समय ध्यान देने योग्य किन्हीं बात तीन बातों को उदाहरण सहित उल्लेख करो। चलिए देख लेते हैं किस चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए। पहला देखते हैं, हिंदी में भी मात्रकों के संकेत के ताक्षर अंग्रेजी अक्षर के ही होंगे, अतः केजी किलोग्राम के लिए किलो या मीटर के लिए मी इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जैसे 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, ना कि 1 एम्पियर, कैपिटल ए नहीं होना चाहिए, ये गलत है।
मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें ग्राम को ग्राम ही लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्राम से एस नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ये गलत है, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 5 × 1 ग्राम, ठीक है? मात्रक ग्राम के लिए संकेतक अक्षर जी का लिखना चाहिए, जी को लिखना चाहिए, जीएम नहीं लिखना चाहिए। जीएम का मतलब है ग्राम मीटर, एसआई मात्रकों में जीएम का अर्थ है ग्राम मीटर हो जाएगा, इसलिए एम नहीं लगाना चाहिए, केवल जी लिखना चाहिए। किलो के लिए संकेतक अक्षर स्मॉल लेटर के का के है, ठीक है? और केल्विन की कैपिटल लेटर के से, अतः 3 किलोग्राम को हम 3 स्मॉल kg लिखेंगे, लिखना चाहिए, ठीक है? ये 3 kg, कैपिटल के नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा 3 केल्विन ग्राम, क्योंकि कैपिटल के का मतलब एसआई में केल्विन होता है, ठीक है? तो नहीं लिखना चाहिए। ताप या तापमान का मात्रा केल्विन के पहले संकेत डिग्री का शब्द डिग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 273 डिग्री केल्विन लिखना गलत होगा, केवल 273 केल्विन सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th किसी का भी अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, या क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन चाहिए, वो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर, 81 78 78 16 11, ठीक है? 81 78 78 16 11 पर कर सकते हैं।